कैसे, उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैर से जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ढेर सारियाँ खुशियाँ बांटते रहे, ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहे। अच्छा चले गाइस, आज आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करनी है। बैठे बैठे हमारा प्लान बना, क्या प्लान बना, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर ही दूँ। तो जो इस रूम में कबर्ड है ना, तो वो मैंने सोचा कि जो हमने वहाँ पे मेकअप रूम बनाया इसको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो आप आए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या सोचा है और कैसे सेटिंग करेंगे। अब ये देखिए, ये जो रूम में लगी हुई है ना, तो ये इसने काफी ज्यादा प्लेस लिया हुआ है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसको यहाँ से उतरवा लें। हम इसको उतार के अब हम वहां चलते हैं, मैं दिखाती हूँ वो जगह भी, इसको उतार के हम ना वहीं पर शिफ्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रह जाएगा। अगर हमने इसको यहीं लगा रहने दिया तो हमारे पास जगह बहुत ही कम बचेगी। तो आपको पता है, जैसे कि मेरे रूम का तो आपको पता ही है कि ये रूम है। इसके बाद मैंने मेकअप रूम भी बनाया, मेकअप रूम कुछ ऐसा है अभी फिलहाल। इसमें ये वाली मम्मा ने अपनी अलमारी उठा के रख दी है, तो मेरा माइंड ये बन रहा है कि मम्मा की अलमारी उठा के मम्मा को दे दूं और जो मेरी वो वहां पे लगी हुई है उसको ला के यहाँ पे लगा दूं। उसको लगाने के बाद यहाँ पे मिरर लगेगा, उसके सामने थोड़ा सा स्टैंड वगैरह बनेगा। बनने के बाद मतलब ये बिल्कुल मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम बन जाएगा। यहीं पे चेंज किया और यहीं पे हर चीज मतलब ओके हो जाएगी। यहाँ पे अभी पर्दे वगैरह लगने हैं इंशाल्लाह, वो कुछ देर तक हम लगाएंगे क्योंकि अभी सेटिंग हमारी जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके अभी सेटिंग कर रही हूँ। और ये वाली मेरी पिक्चर्स कितनी अच्छी लग रही है, पहले उस रूम में थी ये भी यहाँ पे चारी शिफ्ट हो गई। तो ये हमारी पिक्चर्स वगैरह अभी थोड़ी थोड़ी करके हम सेटिंग करेंगे। वो भी मैंने कुछ चीजें वहां पे रखी हैं, उनके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली चीजों में से सबसे पहले टिश्यू पेपर, जो कि हर रूम और हर चीज की जरूरत होता है, और मक्खियां देख ले तोबा कितनी ज्यादा है क्योंकि फैन भी ऑफ है ना। अच्छा, और इसके अलावा ये लाइट्स है, ये भी जब मुझे जरूरत होती है, इसमें मेरे ख्याल में चल रही है और इसमें होगा, तो जब मुझे लाइट्स की जरूरत होती है तो फिर मैं इनको ऑन कर लेती हूँ। और इससे तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हर चीज यही चैनल है, ई फॉर इशी राजपूत ऑफिशियल, जैसे कि आप सबको पता ही है। और बस इस तरह की चीजें डिफरेंट डिफरेंट सी मैंने रखी है, अभी वन बाय वन करूंगी। और ये है बहुत ही प्यारा बॉक्स, इसको मेकअप बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर आप अपना मेकअप रख के कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। इसको इस तरह से ओपन किया, इसके अंदर मेकअप रखा और ये थोड़ा अच्छा भी लगता है और दिखने में भी प्यारा लग रहा है, तो इसको हम ऐसे आराम से पकड़, इतना सारा मेकअप कैसे उठा सकते हैं, हैंडबैग में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए हाथ से मेकअप इसमें रख के हम इजीली जा सकते हैं कभी भी और कहीं भी। इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम चलते हैं वहां पे क्योंकि यहाँ पे मक्खियों ने बहुत ज्यादा हमला किया। वहां से हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी मम्मा के पास कि मम्मा क्या कर रही है। मम्मा मेरे लिए मजेदार से चावल बना रही है, तो हम सीधा ही चलते हैं मम्मा के पास। और मम्मा जरा आ जाए, आप भी मेरे ब्लॉग का हिस्सा बने, आप मेरे ब्लॉग में आती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो मम्मा मेरे ब्लॉग में नहीं आती, फैमिली ब्लॉग में आ जाती है, मेरे ब्लॉग में क्यों नहीं आती भाई? अच्छा ठीक है, अब डेली आया करेंगी, मम्मा को मैं डेली बुलाया करेंगी ना। तुम बना रही हो चावल? हाँ, मैंने मम्मा को आज कहा कि मेरा बहुत दिल कर रहा है ना, इसलिए साथ टिक्कियां हाँ, तो साथ हम कबाब बनाएंगे, राइस है और कबाब और रायता सलाद मजे से खाएंगे भाई। भूख भी मुझे इतनी लगी हुई क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में थोड़ी सी रोटी खाई थी। दोपहर को खाना हम कम ही बनाते हैं, शाम को खाना, दोपहर को बस थोड़ा लाइट, शाम को हम अगले टाइम खाना खा लेते हैं। कितने हम? तीन लोग, तीन लोग, मैं और मम्मा, हाँ तीन लोग होते हैं घर में, इसलिए हम फिर दोपहर को नॉर्मल से खाते हैं, शाम को मगरिब टाइम खा के फिर हम वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद हमारा खाना शाना हजम। तो जी, मैंने सुबह से बहुत सारे काम किए, करने के बाद थक गई, मैंने अपना मतलब वीडियोस वगैरह बनानी थी वो बनाई, कुछ घर के काम थे वो किए, कर कुर के अब ईशा तो गई है थक, ठीक है, थकने के बाद अब बनता है रेस्ट। और ये मक्खियाँ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, सबके घर में है, हालांकि हमारे घर में माशाल्लाह से सफाई बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी होती हैं। चलो खैर, रहने दो। मैंने अभी आदिल भाई को फ़ोन किया कि वो भी आ जाए, हम खाना खाएंगे मिल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में रखिएगा याद, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।